टॉप 3 बेस्ट गेमिंग प्लस कैमरा मोबाइल अंडर 15,000। तो दोस्तों आप अगर 15,000 के अंदर एक गेमिंग उसके साथ साथ कैमरा भी काफ़ी अच्छा मिल जाए ऐसा एक डिवाइस ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। ऐसा ही 3 डिवाइस के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा, जहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, OIS वाला कैमरा मिलेगा, उसके साथ साथ 44 वाट की फास्ट चार्जिंग भी मिलेगा, यहाँ पर आप गेम भी खेल सकते हो और अच्छी क्वालिटी का वीडियो भी शूट कर सकते हो। तो दोस्तों डिवाइस कौन कौन सा है, अदर फीचर क्या क्या मिलेगा, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहना। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाले मोटोरोला की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस Moto G64, जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात करें इसके लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, प्लास्टिक फ्रेम के साथ प्लास्टिक बैक होगा और डिवाइस की वेट 192 ग्राम होने वाला है, तो डिवाइस काफी हल्का है। तो दोस्तों मोटोरोला की सभी डिवाइस की जो लुक एंड डिजाइन है वो एक जैसा ही होता है, यहाँ पे भी आपको सेम लुक एंड डिजाइन मिलने वाला है। तो नेक्स्ट बात किया जाए इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.5 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाला है 85.5 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। तो दोस्तों ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके कैमरा के बारे में, तो दोस्तों इस डिवाइस पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, जहाँ पे आपको OIS की सपोर्ट मिलने वाला है। हाँ दोस्तों 14,000 की मोबाइल में आपको OIS की सपोर्ट दिया गया है, जो काफी अच्छी बात है। मेन कैमरा से आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो, उसके साथ साथ इस डिवाइस पर आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया गया है, जो इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी अदर ब्रांड प्रोवाइड नहीं करता है। कोई भी बात किया जाए फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते। और दोस्तों बात किया जाए कैमरा क्वालिटी की, तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी डिसेंट सा फोटो और वीडियो क्वालिटी निकाल के दे देता है। नेक्स्ट बात किया जाए इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस डिवाइस पे इंडिया का फर्स्ट एक न्यू चिपसेट यूज होने वाला है, जो है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7025 प्रोसेसर, जो 6nm पे बेस है। ये इंडिया की फर्स्ट इस डिवाइस पे ही यूज होने वाला है। और दोस्तों बात किया जाए रैम रोम की, तो इस डिवाइस की आपको 2 वेरिएंट मिलेगा, जब ये बेस वेरिएंट होगा 8GB 128GB और जो सेकेंड वेरिएंट वो होगा 12GB 256GB, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाय कर सकते हो। और दोस्तों बात किया जाए इस डिवाइस की बैटरी की, तो इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है 6000mAh का लार्ज बैटरी विद 30W फास्ट चार्जिंग, जिसकी मदद से 50% चार्ज सिर्फ 33 मिनट पे होने वाले। तो इस प्राइस पॉइंट पे 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलता है, तो काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों ये तो हो गया इसके मेन फीचर, अब बात कर लेते हैं इसके अदर फीचर के बारे में। तो इस डिवाइस पे आपको सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलने वाला है, 3.5mm जैक मिलेगा, उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको स्टेरियो स्पीकर की सपोर्ट भी दिया गया, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों ये डिवाइस एंड्रॉइड 14 पे रन होने वाले और एंड्रॉइड 15 तक अपडेट इस डिवाइस पे आपको मिलेगा। और दोस्तों ये एक 5G डिवाइस है, जहाँ पे आपको 14 5G बैंड मिलने वाला है, तो इंडिया पे अवेलेबल सभी 5G बैंड को ये सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों ये तो गया इसकी सभी फीचर, आप बात कर लेते इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी जो बेस वेरिएंट 8GB 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 15,000 है, पर यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 14,000 के अंदर आ जाता है। वही पे बात किया जाए 12GB 256GB का, तो उसकी करंट टाइम पे प्राइस 17,000 है, वहाँ पे भी आपको सेम 1,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो डिस्काउंट के बाद वो भी 15,000 के अंदर आ जाता है। तो दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी ब्रांड को बाय कर सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाला है वीवो की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस वीवो T3X 5G, जो इंडियन मार्केट पे काफी पॉपुलर सा एक सीरीज है। तो सबसे पहले बात करें इसके लुक एंड डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पे आपको राउंड शेप पे कैमरा मॉडल मिलने वाले रियर पे, जहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलेगा प्लास्टिक बैक के साथ। डिवाइस की वेट होने वाला है 199 ग्राम, तो थोड़ा सा हैवी है। ओवरऑल डिवाइस की लुक काफी तगड़ी है। और दोस्तों इसकी बात किया जाए डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.72 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिलने वाले, डिवाइस काफी स्मूथ होने वाले। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको 1000 nit peak brightness मिलेगा, तो आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत
नहीं आएगा। डिस्प्ले की बात किया जाए इसके कैमरा के बारे में, तो कैमरा सेटअप भी काफी तगड़े है। यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाले है, जिससे आप 4K 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आप इस कैमरा से 4K तक वीडियो शूट कर सकते हो, जो मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट पे वीवो फर्स्ट टाइम करने वाला है। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी दिया गया है। वही पे बात किया जाए फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा, जिससे भी आप 1080p 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफी तगड़ी है और वीडियो भी आप 4K तक शूट कर सकते हो। तो इस डिवाइस को आप ब्लॉगिंग या फिर कैमरा सेंट्रिक मोबाइल के हिसाब से भी बाय कर सकते हो। मुझे लगता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है। और दोस्तों, ये डिवाइस कैमरा के साथ साथ परफॉर्मेंस वाइज भी काफी तगड़ी है। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 चिपसेट, जो 4nm पे बेस है। और दोस्तों, ये एक 5G चिपसेट है, जिसके एंटूटू स्कोर 5,60,000 से भी ऊपर है। तो आप समझ सकते हो इस प्राइस पॉइंट पे इतना पावरफुल सा एक चिपसेट मिलने वाला है, जो इस डिवाइस को काफी पावरफुल बना देगा। दोस्तों, इस डिवाइस को आप गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, हाई लेवल की गेम आप इस डिवाइस पे प्ले कर सकते हो। बात किया जाए रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिलने वाले हैं, जहाँ पे बेस वेरिएंट 4GB 128GB 6GB 128GB और 8GB 128GB मिलने वाले हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाइक कर सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट इस डिवाइस पे आपको और एक हाइलाइटेड फीचर मिलेगा, जहाँ पे इस डिवाइस पे 6000 mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा। उसके साथ साथ 44W की फास्ट चार्जिंग भी रहेगा, जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को बहुत ही जल्दी चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये तो होगा इसकी सभी मेन फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके अदर छोटे मोटे फीचर के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा, 3.5mm जैक यहाँ पे मिलेगा। उसके साथ साथ ये डिवाइस डुअल स्पीकर के साथ आने वाला है। हाँ दोस्तों, स्टेरियो स्पीकर के सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों, ये डिवाइस एंड्रॉइड 14 और फन टच ओएस 14 पर रन होने वाला है। तो दोस्तों, ये तो था इसकी सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी जो बेस वेरिएंट 4GB 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 13,500 है, पर यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम 1000 से 1500 तक डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 12,000 के आसपास आ जाते हैं। वही पे 6GB 128GB का प्राइस है 14,999 और 8GB 128GB का प्राइस है 16,500। सेम डिस्काउंट आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई से भी बाय कर सकते हो। तो दोस्तों, ये डिवाइस है IQOO की तरफ से IQOO G7S 5G। इस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट 5G स्मार्टफोन है। तो बिना टाइम वेस्ट करे एक एक इसकी सभी फीचर को जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे मिलने वाला है 6.38 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले। हाँ दोस्तों, AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है इस प्राइस पॉइंट पे। और दोस्तों, ये AMOLED डिस्प्ले है, तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। वही पे आपको 90Hz की रिफ्रेश रेट मिलेगा, 1300 निट पीक ब्राइटनेस भी मिल जाएगा। तो डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। और दोस्तों, बात करें कैमरा की, तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा मिल जाएगा, जहाँ पे मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होगा विथ OIS। हाँ दोस्तों, OIS की सपोर्ट भी दिया गया है। मेन कैमरा से आप 1080p 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, जिससे भी आप 1080p 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों, बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट मिल जाएगा, जो 6nm पे बेस है। और ये एक 5G चिपसेट है, जिसके एंटूटू स्कोर 4 लाख से भी ज्यादा है। तो इसकी परफॉर्मेंस भी काफी तगड़ी होने वाला है। तो आप अगर गेमिंग के लिए भी इस डिवाइस को लेना चाहते हो, तो भी ले सकते हो। वहीं पे बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिल जाएगा। बेस वेरिएंट 6GB प्लस 128GB होगा। वहीं पे आपको हायर वेरिएंट पे 8GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। और दोस्तों, बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 4500 mAh का बैटरी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 44W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दिया गया है, जिसकी मदद से 1 to 50% चार्ज सिर्फ 24 मिनट पे हो जाएगा। और दोस्तों, सिक्योरिटी पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको IP54 की डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी मिल जाता है। डिवाइस काफी हल्का है, सिर्फ 172 ग्राम इसकी वेट है।
तो दोस्तों ये तो गाइस इसकी सभी फीचर, जैसे ही देख सकते हो फीचर आपको काफी तगड़े मिलने वाले। तो आप अगर ढूंढ रहे हो एक कैमरा सेंट्रिक मोबाइल या फिर गेमिंग मोबाइल या फिर एक ऑलराउंडर मोबाइल, तो इसके साथ जरूर जा सकते हो। या फिर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाते हैं, वॉइस के सपोर्ट भी मिल जाते, काफी अच्छे परफॉर्मेंस भी मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है अंडर 15,000 पे वन ऑफ द बेस्ट एक डिवाइस है, तो आप इस डिवाइस को जरूर ले सकते हो। तो बात करें इसकी प्राइस की, तो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट की प्राइस 14,999 मतलब 15,000 है, वहीं पे 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट की प्राइस 16,000 है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाइक कर सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए।